आज पत्रकारों की एक टीम बिहार प्रांत के विख्यात मदनपुर जंगल में स्थित देवी के दर्शन को गई और वहां के पुजारी लल्लन दास से बातचीत करते हुए मदनपुर देवी माता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया, माता जी थावे से चलकर मदनपुर जंगल की उनकी अंतिम प्रस्थान मदनपुर जंगल में हुई। श्री दास ने बताया कि देवी दर्शन के लिए प्रतिदिन इस स्थान हजारों लोग आते हैं। न्यूज फ्रीडम के लिए कुशीनगर से टिपू सुल्तान की रिपोर्ट। तो लगाली से लड़की कुंवारी धीरे रे थोड़े बेर के आधा घंटा के बाद में तो सब्जी बतलौली भाजी बांध लाली से कहली चल सो तू हन के घरे चाह उपा दे तने। जब घरे चाह उपा के कहते चल जाइबा सुनो तो कहते हाँ तो माई कहली कुछ मांग सो तो दोनों लड़की कहली से एक बेटा चाहे महारानी वरदान थमा दलिए कुछ दिन के बाद में कहीं के दू गो बच्चा भाई नारपुर सहित जंगल में फेंक एक दहली से महारानी लगली लइकन के सेवा करते करते दस ग्यारह बरस के हो गई न लो तो बतलौ रही है कतरा काटस हो आ बाघे के दमरी नाथ के चाउर गिर तो मदन सिंह राजा रहना कौड़ी जिम्मेदारी पंता रहे कौड़ी लगन लो बाघे तो कहन लो ना माता कहले दिया हमनी के काठिया जा खाइया जा हमनी कौड़ी नाथ धाम आए तो मदन राजा जिद कहना कि अपने माई के देख लाओ ना दे कौड़ी जा महारानी हिंगला से चल चलते चलते कलकत्ता अली इतर पटना अली पटना थावे अली खरवारे अली अंतिम सीमा मदनपुर में आ संख्या कम से कम 500,000 गो संख्या रोज दर्शन रोज हो जाता है। अच्छा, इस माँ को किस नाम से लोग पुकारते हैं? मदनपुर माई के नाम। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबा? लल्लन दास। अच्छा, कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? हम 50 बरस से हैं। अच्छा, बिल्कुल, चलिए। और इसकी स्थापना किसने की थी? उनके एगो जब लड़की रहे वो गर्भवती रहे उजल वार स्थापना किया। कितना दिन हो गया यहाँ पे? ये हजारों बरस से ज्यादा का प्राचीन कालीन है। हाँ, प्राचीन कालीन।